चलो आज के लेक्चर में हम लोग कोरिलेशन सीखने वाले हैं. तो कोरिलेशन में इधर कुछ लिखा है, देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलेशन. सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा. ये हमें मालूम है क्या डिमांड एंड प्राइस रिलेटेड होता है? क्या होता है? रिलेटेड. वेट ऑफ अ पर्सन एंड ब्लड प्रेशर, क्या ये रिलेटेड होता है? शायद आपको पता नहीं है पर डेफिनेटली रिलेटेड होता है. सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड एडवर्टाइजमेंट, क्या ये रिलेटेड होता है? बाला देखा आपने, है ना, उसमें अगर वो दवाई लगाएंगे तो क्या कुछ हो जाता है? ब्लैक वाले व्हाइट हो जाते हैं 10-15 दिन में? नहीं ना, सारे कॉस्मेटिक्स के एड में गोरा बना देते हैं, ऐसे दिखाते हैं 15 दिन में, तो बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं ना. बट इज द रिलेशन बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट इनकर्ड एंड सेल? ऑफ कोर्स. तो ये हमें मालूम है कि तीनों के तीनों जो एग्जांपल लिए हैं वो रिलेटेड है. पर वो रिलेशन को अगर स्टेटिस्टिकल मेजर में कोई एक पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसको कोरिलेशन बोलते हैं. वेदर देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल को बाय वेरिएट बोला जाता है. ठीक है, ये स्कैटर डायग्राम बोलते हैं. मैंने अभी अभी बोला कोरिलेशन मतलब जिसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें, पर यहां पे वैल्यू नहीं मिलेगा पर एटलीस्ट हमें एक अंदाजा आएगा कि दोनों वेरिएबल के बीच में रिश्ता है या नहीं है. तो एग्जांपल लेते हैं. यहां पे एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया इनकम किसी इंडिविजुअल का और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. हां बोलो ना बोलो. तो ये जो डॉट्स हैं वो अलग अलग लोगों के, मिस्टर ए का इनकम इतना है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना है. तो जो भी वैल्यूज दिए जाएंगे एक्स और वाई का पेयर होगा इसमें पूरे क्वेश्चंस में, तो उनको प्लॉट करेंगे. एंड अगर सारी वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द है, मतलब नजदीक है, ये जो सारे डॉट्स हैं इधर ये स्ट्रेट लाइन के आजू बाजू में है, मतलब ये सबके सब स्ट्रांगली रिलेटेड है. स्ट्रांगली और स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशन बोला है. स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशन मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा. एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो आप कोई मॉल में गए, उसमें दो लिफ्ट है, लिफ्ट वन और लिफ्ट टू. लिफ्ट वन ऐसा सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है. तो लिफ्ट वन सेकेंड फ्लोर पे है, लिफ्ट टू फोर्थ फ्लोर पे है. अगर ये सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाता है तो ये फोर्थ फ्लोर से सिक्स्थ फ्लोर जाएगा. मतलब ये अगर एक फ्लोर से बड़ा है तो ये दो फ्लोर से बढ़ेगा. ये अगर थ्री टू फोर जाता है तो ये एट पे जाएगा. तो अगर ऐसा हो रहा है तो इनके बीच का रिश्ता एकदम स्ट्रांग पॉजिटिव है. कैसा पॉजिटिव है? स्ट्रांग पॉजिटिव. अगर एक बढ़ रहा है पर दूसरा प्रपोर्शनेटली उतना ही नहीं बढ़ रहा है. एग्जाम्पल, एक्स और वाई दो वेरिएबल लेते हैं, ये 10 है और ये 20 है. ये 10 का डबल हो गया, 20 हो गया. ये 20 से बढ़ा तो सही पर डबल नहीं हुआ. ये 20 से बढ़ के 33 हो गया. सो इज देयर अ पॉजिटिव रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन का मतलब इधर अगर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन. पर इधर जितने प्रपोर्शन से बढ़ा उतने प्रपोर्शन से यहां पे नहीं बढ़ा है. तो ऐसे रिलेशन को मॉडरेट पॉजिटिव बोला जाता है. तो इधर ये डायग्राम में एक्स और वाई है तो ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट ये लाइन के थोड़े दूर दूर हैं पर बढ़ तो रहे हैं. ये यहां से यहां आया, यहां से यहां गया तो ये वैल्यू भी बढ़ गया. तो वैल्यूज बढ़ रहे हैं, दे आर ऑन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप है उनका. इधर अभी देखो ये थर्ड इसमें नेगेटिव स्लोप है. एक एग्जांपल लेते हैं,
एक्स एक्सिस पे अगर हम हाइट प्लॉट करें और वाई एक्सिस पे अगर हम ऑक्सीजन प्लॉट करें, तो जितना हाइट ज्यादा होता है उतना ऑक्सीजन कम होता है। तो मान लेते हैं ये सी लेवल है जहां पे हम रहते हैं, तो इधर मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें मिलेगा, ये रहा ऑक्सीजन इधर, और ये है हाइट, मैक्सिमम हाइट ये है हमारा हिमालय। तो हिमालय पे मैक्सिमम ऑक्सीजन होगा या मिनिमम ऑक्सीजन होगा? मिनिमम, एकदम कम ऑक्सीजन होगा। समझाया बाउंसर गया? तो हाइट का और ऑक्सीजन का कैसा रिश्ता है? नेगेटिव रिश्ता है। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होता है। अभी अभी एक स्टडी हुआ है, रीसेंट स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना एंड केसेस ऑफ डिवोर्स आर नेगेटिवली रिलेटेड। मतलब जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, पॉजिटिवली रिलेटेड हो गया, सॉरी, जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उतना डिवोर्सेस भी बढ़ रहा है। तो उल्टा कर देते हैं, जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उतना पीस ऑफ माइंड घट रहा है, तो वो नेगेटिवली रिलेटेड हो गया। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गए हम। तो इधर सारे वैल्यूज वापस से देखो, ये लाइन के नजदीक नजदीक हैं, तो ये कौन से हो गए? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ये इधर लाइन के दूर दूर हैं तो वीक नेगेटिव हो गया, और इधर ये वाले में कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड नजर आ रहा है क्या? डॉट्स में कोई ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है, तो इसमें नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का एक एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ एडवाइस दैट योर पेरेंट्स गिव यू एंड यू फॉलोइंग देम, एक्चुअली कोई रिलेशन है उसमें? तो नो कोरिलेशन है ना। तो ये जो अलग अलग, सुनिए, इसमें हमें अंदाजा मिलेगा कि दो वेरिएबल के बीच में रिश्ता है या नहीं है, पर हमें एक फिगर नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ सम्स करते हैं, फिर आगे का थियरी बाद में करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निकालिए, ये 5.1 का पहला क्वेश्चन है। एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए गए हैं, तो एक्स की लोएस्ट वैल्यू 10 है और हाईएस्ट वैल्यू 70 है। वाई की लोएस्ट वैल्यू क्या है? 20 है और हाईएस्ट वैल्यू 40 है। तो स्केल है ना, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे 10 से 70 है, तो कैन वी टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लेंगे हम एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लेते हैं। सेम हुआ ना? इधर इधर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बनाइए, फिर हम लोग साथ में प्लॉट करते हैं। जल्दी से बनाइए पहले ग्राफ पे। ग्राफ पे मतलब हम अपने बुक में बना सकते हो, पर लाइंस आप 1 सेंटीमीटर के ऊपर ही बनाना। तो एक्स एक्सिस पे पहला पैर क्या है? फर्स्ट पैर इज 10 और 32, तो एक्स एक्सिस पे 10 पे हम आए और वाई एक्सिस पे 32, ये हमने पहला बिंदु यहां पे प्लॉट किया, फर्स्ट पॉइंट 10, 32। सेकेंड पेयर है 20, 20, इधर 20, 20 प्लॉट किया, टेन कॉमा 32 और 20, 20। नहीं, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। थर्ड में 30, 24, एक्स एक्सिस पे 30, वाई एक्सिस पे 24। हाँ, आपको प्लॉट कर, पॉइंट्स का वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है आपको। वाई का नेक्स्ट फोर्थ पैर है 40, 36, तो एक्स पे 40 और वाई पे 36। वैसे बाकी सारी वैल्यूज प्लॉट करिए आप।
अब ये जो वैल्यूज हमने प्लॉट की है उससे अगर ऐसे कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाया जाए ताकि वो सेंटर से पास हो, तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ यहाँ से निकलेगा, ये रैंडमली बनाने का इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसे बीच में से निकलेगा, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर हो गया मेरे से, ना ना ये जो भी पॉइंट्स बनाए हैं ना वो पॉइंट्स के सेंटर में से थोड़े पॉइंट उसके ऊपर थोड़े पॉइंट नीचे ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करना है। हाँ वेरी गुड, हाँ एग्जाम में पूछ सकते हैं ड्रॉ स्कैटर डायग्राम। तो अभी सारे बिंदु जो हैं वो लाइन के एकदम नजदीक नजदीक हैं या डिस्पर्स्ड हैं? डिस्पर्स्ड है। हाँ तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है, लिखिए आप, सिंस ऑल द पेयर्स आर widely dispersed from the center line, there is weak positive relation between them, weak positive relation between them, since all the pairs are widely dispersed from the center line, there is weak positive relation between them. ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक मिनट में बन जाता है, एक मिनट भी नहीं लगता है, पता है आपको? दिखाऊं आपको? तो ये चीज अगर एक्सेल को यूज करके करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, ये डेटा को आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इंसर्ट में गए, इंसर्ट में आप चार्ट्स में गए, ये वाला चार्ट क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, हो गया रेडी। इट टेक्स हार्डली अ सेकेंड ना, आई वॉज टेलिंग वन मिनट, आपको सिर्फ डेटा इनपुट करना है बस। और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं, इसमें आपको वैल्यूज भी, अभी एक्स एक्सिस का लेबल, वाई एक्सिस का लेबल, इधर ये पॉइंट्स जो है उसके बाजू में वैल्यूज चाहिए, ऐसे सब कुछ आप कर सकते हो, इधर इधर जो तीन दिख रहे हैं उससे, वेरी वेरी यूजफुल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया है एक्स और वाई। अब देखिए इधर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो सारी वैल्यूज एकदम लाइन के नजदीक नजदीक है, मेजॉरिटी इधर वाले तो एटलीस्ट नजदीक नजदीक है, तो इसको हम मॉडरेट पॉजिटिव बोल सकते हैं, स्ट्रांग नहीं, मॉडरेट पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यूज तो एटलीस्ट थोड़ी दूर है ना, ये वैल्यू ठीक है, वो तो 2-1 तो प्लॉट करेगी तो पहले ही आएगा ना। ठीक है तो इसको आप होमवर्क में करेंगे। थर्ड वाला है एप्टीट्यूड और ग्रेड पॉइंट्स, इसको भी प्लॉट करना है। अच्छा इसमें आप ग्रेड पॉइंट्स देखिए पॉइंट्स में है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 लीजिएगा आप, तो आप 1.8 3.8 ऐसा प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है ये दोनों सब होमवर्क में करना, एक्सेल में अगर करना है तो वो एक्स्ट्रा है। ठीक है चलो अभी बिफोर गोइंग टू सम्स लेट मी राइट द फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स दिया है। एन इज इक्वल टू 15 दिया गया है, एक्स बार इज इक्वल टू 25 दिया गया है, y bar 18 is given to us, standard deviation of x is given to us 3.01, standard deviation of y is given to us 3.03, and there is one more value, sigma x minus x bar
y माइनस वाई बार विच इज 122. आर ढूंढने बोला गया है, ये गिवन डेटा है ऑलरेडी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? तो आर इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो पहले सीओवी ढूंढना पड़ेगा हमें. सीओवी ऑफ एक्स वाई क्या है रे, व्हाट इज द फॉर्मूला सीओवी ऑफ एक्स वाई? समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. तो दैट इज रेडीमेड गिवन टू अस एज 122 डिवाइड बाय 15. इसको अभी सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दो, 122 डिवाइड बाय 15. अब आर इज इक्वल टू 122 डिवाइड बाय 15 द होल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 3.01, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 3.03 इज इक्वल टू. अब इसके बाद आगे कोई उपाय नहीं है, आपको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा. तो अभी कैलकुलेटर पे कर लो जरा, जस्ट टू सेव टाइम. पहले न्यूमरेटर बता दें, 122 डिवाइड बाय 15 हाउ मच? 8.133. 3.01 इंटू 3.03 इज हाउ मच? 9.1203. और अब डिवाइड करके बताओ. अच्छा, अब इसको क्या बोलेंगे 0.89 को, अगर हमें इंटरप्रेट करना है तो ये कैसा रिश्ता है? हाँ, तो अभी एक स्लाइड हमने छोड़ दिया था, अभी सीख लेते हैं कि वो क्या समझना था उसमें. ये रहा तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. हमने अगर स्कैटर डायग्राम से किया है तो हमें वैल्यू नहीं मिलता है, एक अंदाजा मिलता है. और ये हमारा दोस्त है कार्ल पियर्सन, जिसने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, फाइंड आउट किया, वट एवर यू वॉन्ट यूज. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर. तो सबसे पहली बात है ना, आर की वैल्यू का रेंज माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है. प्रोबेबिलिटी जीरो से वन होता है, पर ये आर का वैल्यू माइनस वन से प्लस वन होता है. ठीक है, अगर आर प्लस वन है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव है. ये रहा लास्ट वाला, अगर आर प्लस वन है तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर आर माइनस वन है तो परफेक्ट नेगेटिव. अगर आर 0.8 से बड़ा है या माइनस 0.8 से छोटा है तो हाई पॉजिटिव या हाई नेगेटिव, और अगर 0.3 से 0.8 के बीच में है, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में, तो फिर मॉडरेट पॉजिटिव और नेगेटिव. 0.3 से भी छोटा है तो वीक. समझा, ये बाउंसर गया. और आर अगर जीरो है इज नो कोरिलेशन इसमें. हाँ जी, हाँ, आप इसको लिख सकते हो जल्दी से, वो आगे फॉर्मूलाज जहां लिखा है ना उधर कॉपी कर लो इसको.
ओके तो अभी सारी वैल्यूज जो हैं एक्स और वाई, हमें और क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, एक्स वाई ढूंढना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा और वाई स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। ये टेबल बनाइए आप, एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। सिक्स टू टेन फोर और एट, नाइन इलेवन फाइव एट एंड सेवन। एक्स इंटू वाई करते हैं, फिफ्टी फोर ट्वेंटी टू फिफ्टी थर्टी टू और फिफ्टी सिक्स। एक्स स्क्वायर करते हैं, थर्टी सिक्स फोर हंड्रेड सिक्सटीन सिक्सटी फोर। वाई स्क्वायर करते हैं, एटी वन वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फोर एंड फोर्टी नाइन। इनका टोटल बताइए प्लीज, लास्ट तीन कॉलम का टोटल करिए, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। हाँ जी बोलिए, 214, 220, 340। अब जो हमने बोला था कि अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो एक सिंपल वाला फॉर्मूला हम करेंगे। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? आर एक्स वाई इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, एन समेशन एक्स वाई माइनस, बोलो आगे, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन स्क्वेयर रूट, बोलिए, एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वेयर। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वेयर। समेशन एक्स कितना है रे बच्चों? समेशन एक्स 30 और समेशन वाई 40। चलो सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो एन है 5, समेशन एक्स वाई है 214 माइनस समेशन एक्स है 30, समेशन वाई है 40 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 5। समेशन एक्स स्क्वायर है 220 माइनस समेशन एक्स है 30 उसका स्क्वायर इनटू 5। समेशन वाई स्क्वायर है 340 माइनस समेशन वाई है 40 और उसका स्क्वायर। ठीक है, टू वन फोर इंटू फिफ्टीन कितना होता है? 1070 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 5 1100, 30 का स्क्वायर 900, 340 इंटू 5 1700 माइनस 40 का स्क्वायर 1600। मैं यहां पे लेफ्ट में कर रहा हूं, माइनस 130 आ रहा है रे,
माइनस 130, ये स्क्वायर रूट ऑफ 200 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 100। अगेन मैं लेफ्ट में कर रहा हूं, सो माइनस 130, ये 200 को 10 रूट 2 लिखा जा सकता है और रूट 100 को 10 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए। रूट 2 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फाइनल आंसर है माइनस आएगा, माइनस माइनस 0.9192, मतलब 0.92 लिख देता हूं, माइनस 0.92। तो कैसा रिश्ता है भाई, नेगेटिव, हाई नेगेटिव या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, माइनस 0.92 है बेटा। देखो देर इज हाई नेगेटिव कोरिलेशन, देर इज हाई नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एकदम छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। टोटल कितने 8 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ओके 7th है, सो वन मोर टू गो। 3, 6, 2, 9, 5, 4, 5, 8, 6 और 7, ठीक है। एक्स वाई के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 12, 30, 16, 54, 35, एक्स स्क्वायर 9, 36, 4, 81, 25, 16, 25, 64, 36, 49, सबके टोटल्स ले लेते हैं। x का टोटल है 25, x का टोटल 25, y का टोटल 30, x y का बताइए 147, x स्क्वायर 155 और 190। सेम मेथड से है, फॉर्मूला आप लिखिए पहले, r इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं लिखिए, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर। एन मतलब 5 पेयर्स हैं, समेशन एक्स वाई इज 147 माइनस समेशन एक्स इज 25, समेशन वाई इज 30 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, समेशन एक्स स्क्वायर इज 155 माइनस समेशन एक्स दैट इज 25 द होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर।
is equal to. Phi into 147 will be 735 और ये हो गया 750 upon square root of 155 into 5 will be 755 775 और 25 का square is 625 119 into 5 will be 950 और 30 का square will be 900 minus 15 upon square root of 150 into square root of 50. अब हमें root 3 का value दिया है question में, हाँ? Root 2 नहीं, मतलब root 3 को use करना है, देखो कैसे करते हैं. हाँ, तो एक मिनट रुक जा. Root 50 into 3 और into root 50. तो अभी minus 15 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Minus 15 इसको root 50 into root 3 into root 50 लिखा जा सकता है. ये इनको split कर दिया. Is equal to minus 15 upon तो root 15 to root 50 50 हो गया. और root 3 का value हमें दिया गया है 1.732. इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर बताइए क्या आएगा. वो डिनोमिनेटर माइनस 15 अपॉन 86.6. ये पीछे गलत दिया है, प्लस दिया है. वो है टेक्स्ट बुक में पीछे के आंसर में इसको प्लस दिया है तो माइनस आंसर है इसका. ठीक है, माइनस 0.1732. चलिए लास्ट क्वेश्चन. एकदम इससे छोटा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता लाइफ में. ये पहले भी किया है. R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, दो मिनट लगेगा बेटा, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें ढूंढना पड़ेगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स. स्क्वेयर रूट ऑफ 9 मतलब 3 हो जाएगा. 0.3 इज आर का वैल्यू. कोवेरियंस 12 दिया गया है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ढूंढना है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 इंटू 0.3. फोर अपॉन थ्री इंटू 10 विच इज 40 अपॉन 3 विच इज 13.33. लॉक किया जाए.